मध्य प्रदेश उपचुनाव में उपचुनाव आते ही हवाला कारोबारी हुए सक्रिय, आचार संहिता लगने से पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध शराब, फायर आर्म्स, बड़ी मात्रा में नगद राशि को लेकर सघन चेकिंग की जा रही है। वहीं देर रात इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच व तुकोगंज पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं पकड़े गए हवाला कारोबारियों से करीब 10,26,000 रुपये बरामद किए गए। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुजरात के रहने वाले कुछ व्यक्ति इंदौर के सिल्वर मॉल में ऑफिस संचालित कर हवाले के रुपयों को लेन देन कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना तुकोगंज पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिल्वर मॉल के प्रथम मंजिल 105 बी ब्लॉक पर दबिश दी, तो वहाँ हवाला के रुपयों के लेन देन की जा रही थी, जहां से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने अपने नाम अमन, सलीम, सिमरन सिंह, संजय होना बताए। सामने सामने से रखो, सामने रखो, आप ही दिखाओ, आप दिखाओ उसको, दिखाओ दिखाओ, पलटा के दिखाओ, इसमें क्या होता है, टेबल से रख के ठीक से दिखाओ। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें केस रख के कहाँ जाते हैं? वो कभी वो संजय विजय बोले वहीं चले जाते हैं, किसी को लेना हो देना हो। अच्छा, किसी को लेना है? यहाँ के बाहर कहाँ जाते हैं? यहाँ से बाहर जाते हैं। हवाला कारोबारी पकड़ा है। हाँ, इसमें जैसे आपको मालूम है कि सावेर चुनाव को लेके यहाँ आदर्श आचार संहिता जारी है और अवैध कैश का इनफ्लो जो है इसमें होने की संभावना रहती है। इसकी सूचनाएं एकत्रित की गई, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई जो है चल रही है और इसी सूचना संकलन के दौरान सिल्वर मॉल में अवैध हवाला कारोबार होने की जानकारी मिली, जिसमें काफ़ी कैश का इनफ्लो होता है। इस संबंध में तुगोगंज थाने की टीम के साथ में क्राइम ब्रांच की टीम ने चेक किया, वहाँ सर्च किया, तो वहाँ पे जो है अवैध कारोबार का होना पाया गया। इस संबंध में 6 लोगों से, जिसमें 2 कारोबारी हैं और 4 इसमें ग्राहक हैं जो कि अपने पैसे का लेन देन करने आए थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए हवाला के तहत, इनको इन पैसा जब्त किया गया है, कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जो है थाना तुगोगंज द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित किया गया। कितना पैसा मिला है इसमें? 10,26,700 रुपये का सीजर हुआ है। सब चुनाव के अंदर ही सब आदमी की इस संबंध में अभी जांच की जाएगी। ये अभी प्राइमा फेसी आदान प्रदान के लिए है। अब इस संबंध में जो है, जैसा आपको बताया, इनकम टैक्स को भी सूचित किया गया है। हम लोग भी आगे जो है पड़ताल करेंगे, तो फैक्ट्स निकल के आएंगे, फिर बताएंगे। इसमें जो ये संचालित कर रहे थे उसमें राजेंद्र सिंह, संजय और जो अपना पैसे का ट्रांसफ़र कराने आए थे, ये मंजूर खान, आकाश, सलीम और सिमरन सिंह है। मुख्य आरोपी कौन है? जो हवाला का संचालन कर रहे थे, कारोबार का संचालन कर रहे थे, राजेंद्र सिंह और संजय। कुछ बताया हमने कि कब से कर रहे थे? हाँ, ये अभी शुरू किया था ऐसे ही बोल रहे थे, पर अब मैंने बताया आपको कि अभी ये हम लोग इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पैरेलली इनकम टैक्स भी इसको देखेगा, इनकम टैक्स विभाग, और जो तथ्य निकल के सामने आएंगे फिर अवगत कराया जाएगा।